हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे एंड जोर लगा करके तैयारी कर रहे होंगे नबार्ड फेज टू के लिए जो अपियर कर रहे हैं, या आईबीपीएस एएफओ की जो तैयारी कर रहे हैं। एएफओ भी किसी भी टाइम इट कैन कम आउट, ठीक है, क्योंकि टाइम तो हो ही चुका है नोटिफिकेशन आने का, तो कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, और आपका कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो ये बात ध्यान से सुन लो कि अगले डेढ़ से दो साल बंपर नौकरियां बाहर आएंगी सरकारी। 2024 इलेक्शन ईयर है और इंडिया के अंदर इलेक्शन ईयर, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, केंद्र के इलेक्शन होते हैं, हमेशा भर भर के पोस्ट आती हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। स्टेट के अंदर अभी भी काफी सारी पोस्ट आती हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह की पोस्ट निकलती रहती हैं अलग अलग स्टेट्स की। तो तैयारी मत छोड़ना, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो करते रहो। और ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि रोज कोई नया फैक्ट आ रहा है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर जब आपको कवर करना है तो कम से कम पिछले 8-9 महीने के, 1 साल के करने पड़ते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम्स है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्कीम में रोज कुछ अपडेट हो रहा है, चलता रहता है अपडेशन, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर 6 महीने पहले भी कुछ उसके अंदर चेंज हुए थे चीजें, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स कम से कम 8 महीने 9 महीने 1 साल के तो करने ही पड़ते हैं आपको। तो अल्टीमेटली जिस भी आप एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जनरल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी काफी यूजफुल है। एंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जैसे आपके जनरल करंट अफेयर्स होते हैं ना कि इस बैंक ने इसको इतना पैसा दिया, ये वो सब, वो सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस नहीं रहता है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में हम स्टैटिक पार्ट को भी कवर करते हैं। स्टैटिक पार्ट आ जाता है बेसिकली जहां पर कोई चीज न्यूज के अंदर रही हो, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस तरीके से हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी हम करंट अफेयर्स में स्टैटिक क्वेश्चंस डालते हैं, ओके। एंड दिस इज गाइस 2000+ नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है जो एग्रीकल्चर का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। इसके बाद फ्री टेस्ट भी बनकर के डला हुआ है एक, ताकि आप पहले चेक कर लो कि आपको क्या मिल रहा है। आज मैं 2-3 टेस्ट उसके अंदर और डाल दूंगा फ्री के अंदर, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाए। 50% ऑफ चल रहा है, 300 रुपए का पड़ता है, वर्थ फॉर योर मनी आपको ये फील होगा, डो नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के हिसाब से कितने लाख एकड़ लैंड को टोबैको फार्मिंग से शिफ्ट करके ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स के अंदर डाल दिया गया ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। टोबैको कल्टीवेशन थोड़ा सा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था फार्मर्स के लिए, एंड जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो सरकार पिछले 5-6 सालों से लगी हुई है कि टोबैको से हम ऑल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ चलें, ठीक है। तो कितने लाख एकड़ जगह, अभी रिसेंटली ये अगस्त के महीने में मिनिस्ट्री ने आउट किया था डेटा कि कितने लाख जो एकड़ जगह है उसको टोबैको से शिफ्ट करके ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस वगैरह के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। सो आपको बताना है कितने लाख एकड़ है, 1.12 लाख एकड़, 2.12, 3.12, 4.12 और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहां पर आपका जो सही जवाब होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, 1.12 लाख एकड़ जो लैंड है दैट इज अंडर कल्टीवेशन, जो शिफ्ट किया है टोबैको कल्टीवेशन से शिफ्ट किया है ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स के अंदर, ओके। सो दिस वाज द न्यूज अबाउट 1.12 लाख एकड़ लैंड शिफ्टेड फ्रॉम टोबैको फार्मिंग ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स टू अदर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स, ओके। और ये बेसिकली जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर है वो एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। और ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है ना, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक सब स्कीम है। अब जैसे अगर वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है ये किस स्कीम का सब स्कीम है, नीचे 4-5 एग्रीकल्चर की स्कीम्स दे देगा आपको और आपको बताना होगा कि किसका सब स्कीम है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का सब स्कीम है और ये प्रोग्राम अराउंड 10 टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स के अंदर चल रहा है, जिसमें आपका आंध्रा, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल आ जाता है। और इसके अंदर सरकार बेसिकली कोशिश क्या कर रही है कि कैसे हम शिफ्ट करें। 2015-16 से ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। वो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम कौन से साल से चल रहा है। सो इट इज रनिंग सिंस 2015-16। नाउ क्विकली कम टू द सेकंड क्वेश्चन। To improve mechanization of agriculture,
द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज रिड्यूस द टाइम लिमिट फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ ट्रैक्टर्स यूज फॉर एग्रीकल्चर टू हाउ मेनी डेज. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और ये जो इंस्टीट्यूट वगैरह पीआईबी का नोट्स बोल करके आपको नोट्स चिपकाते हैं, हजारों रुपए आप भरते हो जिसके लिए, उसमें आपको इस टाइप का डाटा नहीं मिलेगा, जबकि ये स्ट्रिक्टली फ्रॉम पीआईबी है. क्योंकि पीआईबी में से करंट अफेयर बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है बेटा, वो इतना आसान काम नहीं होता. पीआईबी में इतना सब कुछ आता है और आधी चीजें तो जो उसमें होती हैं वो मिनिस्टर्स की स्पीच वगैरह के बीच में होती हैं, तो उसको पढ़ करके उसमें से मटेरियल निकालना इट्स नॉट अ इजी जॉब, वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है. तभी आप देखते हो कि मेरा लेक्चर आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा आते जा रहे हैं, टाइम लगता है क्योंकि पूरा रिसर्च करके इसको बनाया जाता है, एक एक लाइन को देख करके. तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, जो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के लिए बिकता है, उस एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर के बिकने के अंदर ना पहले एक नियम होता है कि उसको टेस्ट किया जाएगा, और उस टेस्टिंग प्रोसेस में जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है ना, उसको एक नंबर ऑफ आवर्स देने होते हैं कि इतने नंबर ऑफ आवर्स तक इस ट्रैक्टर की टेस्टिंग हुई है. ठीक है, तो अब ये कम कर दिया गया है कि कितने दिनों की टेस्टिंग होनी चाहिए. ठीक है जी, तो अब कितने दिनों की टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए मिनिमम, जो सरकार ने कर दी है. तो अब इसमें आंसर आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन बी, 75 डेज की टेस्टिंग जो है उसको, उसके ऊपर ले आए हैं अब इसको. पहले जो टेस्टिंग होती थी, टेस्टिंग प्रोसेस जो होता था पहले 9 महीने का होता था. तो 9 महीने आप ये लगा लो, अराउंड कितने हो गए, 9 मंथ्स को अगर आप डेज के अंदर कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 270 डेज आते हैं, है ना, 270 डेज आते हैं. पहले 270 दिन तक टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि सिर्फ इसको 75 वर्किंग डेज की टेस्टिंग जो है वो रखी जाएगी. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा. अच्छा, इस तरह का डाटा जब आप नबार्ड फेज टू वालों को बता रहा हूं, इस तरह का डाटा अगर आपने आंसर के अंदर डाल दिया ना सरकार के एफर्ट्स में एग्जाम्पल दे करके, तो एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये जो बच्चे का मैं पेपर चेक कर रहा हूं ना, ये एक सीरियस कैंडिडेट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आप का कोई आता है और आप गवर्नमेंट के एफर्ट्स को हाईलाइट कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि देखो गवर्नमेंट तो कंटिन्यूअसली एफर्ट डाल रही है, एंड द मोस्ट रिसेंट एफर्ट इज द रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ ट्रैक्टर्स फ्रॉम 9 मंथ्स टू जस्ट 75 वर्किंग डेज. तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा यार बॉस ये सीरियस कैंडिडेट है, ये कोई ऐसे हवा वाला कैंडिडेट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट ऑफ, ये अगस्त के अंदर न्यूज आई थी. बेसिकली एक एमओयू साइन किया था इंडिया और इजराइल ने कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे वेजिटेबल्स के लिए. तो ये किस स्टेट के अंदर बनेगा, ठीक है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है. द राइट आंसर ओवर हियर इज गाइज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के चंदौली में. फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, देखो 2019 में एक डिजीज आया इंडिया के अंदर जिसको हम बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इससे, कैटल का ये डिजीज है. तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक इंडिजीनियस वैक्सीन को अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने. उस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रो वैक्स इंडिया, ये वैक इंडिया इज वैक्सीन इंडिया, ठीक है, लंपी स्किन डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. अब ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया है नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली ने. क्वेश्चन बड़ा लंबा सा है, बच्चे ना कई बार इतना लंबा क्वेश्चन देख करके पहले ही घबरा जाते हैं, पर क्वेश्चन का जो अल्टीमेट क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है वो आपको हो गया यार ये तो हलवा है. वेयर इज द नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर कहां पर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन सी, हिसार के अंदर. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. वो ये भी पूछ सकता था कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो ये लंपी प्रो वैक्स इंडिया को अप्रूवल दिया ये किसने डेवलप किया है, नीचे 4-5 इंस्टीट्यूट्स के नाम दे देता, उसमें से आपके ये 2 इंस्टीट्यूट्स जो है वो आंसर में रहेंगे, नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. दूसरा वो ये पूछ सकता था क्वेश्चन कि वैक्सीन जो डेवलप किया उसका नाम क्या है, ठीक है, वो 4-5 ऊटपटांग से नाम दे देगा, उसमें से आपका लंपी प्रो वैक इंडिया जो है वो करेक्ट नेम होगा. तो मल्टीपल फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, लंपी प्रो वैक इंडिया याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट्स का नाम याद रखेंगे और इनकी लोकेशंस याद रखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं फटाफट से. फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स रिलीज हुए थे बेटा अगस्त के महीने में, ठीक है, और एडवांस्ड एस्टिमेट्स में से क्वेश्चन आता है. तो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स हुए थे और इसमें फूड ग्रेन्स में एडवांस एस्टिमेट्स क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन हाइयर है पिछले पांच सालों की एवरेज से. एवरेज निकालते हैं ना 5 सालों की, टोटल करके 5 से डिवाइड करके, तो पिछले 5 सालों की एवरेज से कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ 2021-22 में एज पर योर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स. इस टाइप के क्वेश्चन आपके फेज 1 में भी आते हैं और फेज 2 में भी वो पूछ सकता है. एंड डेफिनेटली
जो ये एस्टिमेट वाला डेटा है ना, फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट या जो लेटेस्ट डेटा है, ये आप यूज कर सकते हो अपने सब्जेक्टिव आंसर के अंदर भी। फेज टू वालों को बोल रहा हूं, कुछ फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड या इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप डाल सकते हो पॉइंट कि 2021-22 में हमने अच्छा किया है, पिछले 5 सालों की एवरेज से ज्यादा है, इतना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25 मिलियन टन से ज्यादा प्रोड्यूस हमने किया है पिछले 5 सालों की जो एवरेज है। ओके, अब ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सो सबसे पहले तो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स को रिलीज किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यही सारे एडवांस एस्टिमेट्स को रिलीज करते हैं। कई बार वो पूछ लेता है कि कौन रिलीज करता है, उसमें ना वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर देंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे देंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री दे देंगे, ठीक है, कैबिनेट दे देंगे, नीति आयोग दे देंगे, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कितना है फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स में? 305.72 मिलियन टन है। ओके, और ये 2020-21 के मुकाबले 4.98 मिलियन टन से ज्यादा है 2020-21 के मुकाबले। ठीक है जी, 21-22 की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों की एवरेज के मुकाबले यानी कि 2016-17 से 2021 तक जो है हायर है 25 मिलियन टन से। टोटल प्रोडक्शन जो राइस की हुई, अब यहां पर इंडिविजुअल क्रॉप्स की आ गई, ये भी कई बार यूजफुल हो जाती है पेपर के अंदर, सब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव में तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ ही सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो राइस जो है 21-22 में 130.29 मिलियन टन है, 13.85 मिलियन टन से हायर है पिछले 5 साल की एवरेज अगर आप देखोगे। उसके बाद जी वीट की अगर बात करें तो 106.84 मिलियन टन, 2.96 मिलियन टन हायर है पिछले 5 साल की एवरेज प्रोडक्शन से। न्यूट्री सीरियल्स की 50.90 मिलियन टन, पिछले 5 साल की एवरेज से 4.32 मिलियन टन हायर है। पल्सेस की प्रोडक्शन रही 27.69 मिलियन टन, पिछले 5 साल की एवरेज से 3.87 मिलियन टन हायर है। तो 5 साल की एवरेज में तो सबसे हायर ही है, ये सारी क्रॉप्स का ही हायर है। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें 37.70 मिलियन टन, जो पिछले 5 साल जो आपका 2021 के मुकाबले 1.75 मिलियन टन हायर है। ठीक है, फर्दर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स ड्यूरिंग 21-22 इज हायर बाय 5.01 मिलियन टन देन एवरेज ऑयल सीड्स प्रोडक्शन जो पिछले 5 साल का। शुगर केन की अगर हम बात करें 21-22 में 431.81 मिलियन टन प्रोडक्शन है, जो आपका एवरेज पिछले 5 साल की एवरेज से 58.35 मिलियन टन हायर है। कॉटन एंड जूट एंड मेस्टा की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन जो कॉटन की है दैट इज 31.20 मिलियन बेल्स, एक बेल में 170 केजी होता है कॉटन के। जूट का 10.32 मिलियन बेल्स, जूट एंड मेस्टा का 180 केजी का जो है आपका बेल रहता है जूट एंड मेस्टा के केस में। बाकी की क्रॉप्स, मेज जो है 33.62 मिलियन टन, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तुर्की 4.34 मिलियन टन, ग्राम 13.75 मिलियन टन, जो अगेन एक रिकॉर्ड है। ग्राउंडनट 10.11 मिलियन टन, सोयाबीन 12.99, रेपसीड एंड मस्टर्ड 11.75, जो भी एक रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड वाले तो जरूर याद कर लेना, ये पेपर के अंदर डायरेक्टली वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए फटाफट से 6th क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज इन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन करंट अफेयर डिराइव्ड क्वेश्चन है। ओके, सो इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जयपुर या नन ऑफ द अबव, व्हाट विल बी द राइट आंसर? राजमाते विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहां पर है? सो द राइट आंसर ओवर हियर गाइस विल बी ऑप्शन बी, ग्वालियर। ग्वालियर ये न्यूज में क्यों था राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी? क्योंकि यहां पर अभी ना 11th नेशनल सीड कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, उसमें कुछ अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, बस ये इंस्टीट्यूट का नाम सामने आया था इसलिए क्वेश्चन बना करके डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसको मैनेज बोलते हैं हम, ठीक है, जिसको हम एब्रीविएशन में मैनेज बोलते हैं, ये कहां पर लोकेटेड है? अगेन ये इंस्टीट्यूट जो है वो न्यूज में था, तो यहां पर आपका जो मैनेज इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद के अंदर। 7th क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, अगेन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर लोकेटेड है? सिंपल क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन ए, जोधपुर। ये न्यूज में क्यों था?
क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है आपके नरेंद्र तोमर, इन्होंने यहाँ पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 4 और रिसर्च फैसिलिटीज को इनॉग्रेट किया है। ये कोई नहीं पूछने वाला कितनी फैसिलिटीज को इनॉग्रेट किया है, क्वेश्चन का सोर्स बता रहा हूं एक तरह से आपको। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, अगेन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट वेमनीकॉम, ये कहां पर लोकेटेड है? अगेन ये न्यूज में था इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ सम मीटिंग दैट टुक प्लेस ओवर हियर। तो आपका जो वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, जिसको हम वेमनीकॉम बोलते हैं, ये पुणे में है। वो आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पेपर में कि वेमनीकॉम क्या है, ठीक है, तो पुणे के अंदर है। चलिए दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ तो कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी डाउट हो वहां पर पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, एंड चैनल को शेयर जरूर कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट लगेगा, शेयर कर दो, ठीक है। एंड विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज।